नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है और आप खबरों को देते हैं विस्तार। मुरैना जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। इन चोरों से एक लग्जरी वाहन व चोरी किया हुआ सोना चांदी तथा अन्य मशरों का बरामद किया है। पुलिस और घटनाओं के विषय में भी चोरों से पूछताछ कर रही है। सूचना मिली थी कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहा है, तो उसमें एक जो है सूचना मिली कि ग्रामोद्धार करके व्यक्ति है, तो उसको जब हमने उठाया से पूछताछ की तो उसने अपना जो अजनौला में चोरी हुई थी उसने उसने अपना गुना कबूल किया। तो उसके बाद उसकी निशानदेही पे जो अपने आरोपी हैं छः उनको भी हम तो अभी जो पूरा जो करीब करीब उसमें 3-3.5 लाख का जो मशरूबा गया था तो करीब करीब 100% उसमें बरामदगी हुई। जितना भी ये गिरोह है इससे और सख्ती से हमने पूछताछ की गई, तो इसमें सबलगढ़ में और एक हमारे यहाँ पे कचनौदा में यहाँ पे भी जो घटना घटी है उसमें भी इनकी भूमिका संदिग्ध रही है। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो ये एक गाड़ी है उसको स्कॉर्पियो उसको यूज़ करते हैं, तो इससे ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे रहते हैं वहीं पे कार्रवाई करते हैं। पूरे ज़िले में, अन्य प्रदेश में, अन्य प्रांत में, अन्य जिलों में सब जगह इन्होंने घटनाएँ करी हैं। तो अभी जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं उनसे हम और पूछताछ करेंगे और किन किन घटनाओं में इनकी भूमिका रही है उसकी भी हम जानकारी निकालेंगे। भू माफियाओं के हौसले बुलंद, भगवान गोपीनाथ जी के हक पर डाला जा रहा है डाका। गोपीनाथ जी मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जा, उपखंड अधिकारी के नाम दिया ज्ञापन। 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम, उपखंड अधिकारी कार्यालय पर कल दिया जाएगा धरना। करोड़ों रुपए की लागत की बताई जा रही भूमि। स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी मात्रा में रोष व्यक्त। एक तरफ प्रदेश सरकार अपना एक वर्ष पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर ओबरा की सड़कों पर नजर डाली जाए तो यहां खस्ता हालत सड़कें सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की पोल खोल रही हैं। कस्बा ओबरा व आसपास की सड़कों की हालत की जमीनी हकीकत देखकर नहीं लगता कि यहां किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य हुआ हो। कई साल से सड़कों की हालत पर नजर डाली जाए तो यहाँ सड़क कम, गड्ढे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। परियोजनाओं के निर्माण कार्य में लाए जाने वाले ओवरलोड भारी वाहनों की वजह से सड़कों की खस्ता हालत आमजन की परेशानी बढ़ा रही है।